वेलकम टू आवर चैनल फूड स्टोर। आज मैं आपकी फरमाइश पे समोसा पट्टी और अलपट्टी की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं रेसिपी शेयर करूँ, काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। रेसिपी बहुत आसान है, आप इसको बना के रमज़ान में 1 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। आप इसकी समोसा पट्टी और अलपट्टी बना के भी और इसमें फिलिंग करके भी 1 महीने के लिए किसी एयर टाइट में जार में डाल के या ज़िपलॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें 2 कप मैदा, 200 ग्राम मैदा, 1/2 टेबल स्पून साल्ट, 3 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल और वाटर। हम एक बाउल ले लेंगे, अब कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम मैदा डालेंगे, उसके बाद 1/2 टेबल स्पून नमक और 3 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे भूनने के लिए। पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालते जाएं, आपने आटा सख्त गूंदना है। ये देखिए हमने सख्त गूंदना है अच्छी तरह। चार से 5 मिनट गूंद लेंगे इसको। ये देख इस इतना सख्त है, ये देखिए मूली। अब इसको हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेंगे, इसका ढक्कन लगा लेंगे, रख देंगे 20 मिनट के लिए। हमने इसको 25 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल लिया और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। छोटे छोटे पेड़े बना के रख लेंगे। ये एक जितने होने चाहिए। अब हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं, हम इसको बेलने पे रखेंगे और इसकी रोटी बना लेंगे। इस तरह सारे पेड़े बनाते जाएंगे, रोटियां मिल के साइड पे रख लेंगे। अब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, कॉर्नर पे भी अच्छी तरह लगाएंगे। इस तरह सारी रोटियां बेल लेंगे और ये इस तरह साइड पे अच्छी तरह ऑयल वाली साइड ऊपर रखेंगे और खुशक वाली साइड नीचे रखेंगे। इस तरह ही बना बना के रखते जाएंगे। ग्रीस की ये जो रोटी के ऊपर हमने ऑयल लगाया इसके ऊपर इस तरह डस्ट कर लेंगे मैदा।
ये देखिए लास्ट है ये, इसके ऊपर ये देखें, इस तरह साड़ी के ऊपर कर लेंगे और पकड़ेंगे इस तरह रख, ये देखिए के ऊपर आपने ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना। अब हम इसका बट इसी रोटी जिस तरह बनाते हैं उस तरह बना लेंगे। आप बेलना भी ले सकती हैं, अब जिस चीज़ के ऊपर कंफर्टेबल है उसके ऊपर ये रोटियां हैं, ये इनको रख लेंगे और इनको गूंद लेंगे। ये दरमियान से गूंदनी है, ये फिसल जाती हैं, इसको रख लेंगे और बेलना शुरू कर देंगे। हम इसको हल्का सा दोनों साइडों से सेक लेंगे, फिर अलग अलग कर लेंगे। इसी सेकंड दोनों साइडों को सेक लेंगे। इसको समोसा पट्टी और रोल पट्टी के लिए चारों साइड से काट लेंगे स्केल रख के। ये जो साइड से उतर रही हैं ये ज़ाया नहीं है, ये इनके आप पापड़ियाँ बना सकते हैं। समोसा पट्टी काटने के लिए इसको तीन ही सोने काट लेंगे, वही सोने रोल पट्टी के लिए काट लेंगे। See you soon in next video.